बासोदा में वार्ड 18 में एक ही परिवार में चले आ रहे लंबे विवाद पर एक पक्ष ने एसपी से लगाई गुहार। 3 दिन पहले कपड़े में आग लगाने की घटना और महिला के साथ मारपीट वाली घटना की झूठी शिकायत की न्याय की मांग की। टेक महोदय को एक ज्ञापन देने आए थे। थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये मामला क्यों हुआ है। हमारा जो मामला है वो जमीनी विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर है, जिसको लेके 8 से 10 केस सिविल न्यायालय में लंबित हैं, गतिशील हैं। उसी के सिलसिले में ये पूरा किया गया है। और जैसे मेरे जो परदादा जी थे, मेरे परदादा जी के 2 लड़के थे, एक स्वर्गीय श्री बलदेव सिंह जी और एक स्वर्गीय श्री जवाहर सिंह जी। स्वर्गीय बलदेव सिंह जी के 4 पुत्रियां और 3 पुत्र थे और स्वर्गीय जवाहर सिंह जी के 1 पुत्र और 1 पुत्री। जी वही मैं कह रहा हूँ कि एक महिला हमारे घर पर आती है, गाली गलौज करती है, बात विवाद करती है, उसके बाद जाकर थाने में कंप्लेन करती है। उसके बाद जाकर वो उनकी जो खेत जो कि बासुदा से थोड़ा सा आउट है वहाँ पर जाकर अपनी टपरिया खुद ही जला लेती हैं और एक पूरी प्लानिंग के तहत जाकर ये आरोप लगा देती है कि वो चीज़ हमने किया। तो इसमें जैसे उर्मिला जी के दामाद हैं जीत तोमर, उनके जो भाई हैं और उनकी शारदा देवी जो उनकी समधन है, और इसमें प्रीति जी लोगों ने जनसुन भाई में शिकायत की थी। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास सर पूरा बंडल है जिसमें सारे कोर्ट केस की कॉपी है। जी जी, आज हमने देखा हमारे ऊपर जो गलत आरोप लगाए गए हैं, जो FIR की गई है, जो कायमी की गई है, वो बिना जाँच के कर दी गई है। हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और फिर जांच में जो तथ्य पाए जाते हैं उस आधार पर करें। एसपी साहब से हम मिले, उनको हमने सारी बातें बताई, उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना है और बासुदा के जो हमारे SGOP साहब हैं TI साहब को फ़ोन करके भी बोला है और ये बोला है कि मामले की जांच की जाएगी और हम में से किसी को बुलाकर जो भी हमारे तरफ से तथ्य रहेंगे वो बताए जाएंगे। और जी देखिए, एक बासोदा देहात थाने का मामला है, ये दोनों एक ही परिवार के मूलतः इनका परिवार एक ही है, उसके सदस्य हैं और संपत्ति संबंधी विवाद है। जैसा कि अभी फरियादी मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे, इनका कहना था कि जो FIR हुई है उसका परीक्षण करा लिया जाए, तो हम SGOP साहब को इसके जांच के लिए भेजेंगे। इसमें जैसा कि इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे प्रकरण न्यायालय में भी लंबित हैं, उस पर भी विवाद अभी विचाराधीन है, तो वो जैसा वहाँ से फैसला आता है उस हिसाब से आगे निर्णय लिया जाएगा। इसमें भी 3-4 दिन पहले जो दूसरा पक्ष है वो बासोदा उपस्थित हुआ था, काफ़ी सारी चोटी थी उस महिला को, तो उसके आधार पर हमने FIR दर्ज की है और जो एक दूसरे पक्ष ने आज मेरे समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया है उसकी भी बात हम पूरी सुनेंगे और SGOP इसका पूरा परीक्षण करेंगे और जो उचित वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी।